सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 2018 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और साथ ही साथ उन प्रश्नों से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। इसी तरीके से 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में भी आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे गए थे और आप में से काफ़ी लोगों ने उन प्रश्नों के जवाब भी दिए थे। तो क्या थे उनके सही आंसर इस वीडियो के लास्ट में आप वो भी जान सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो का डिटेल PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम अपना लेते हैं। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि न्यायमूर्ति गोविंद माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। सौरभ कुमार को 24 अक्टूबर को म्यांमार में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार में भारत के राजदूत कौन है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से 15 अक्टूबर को मेरिकॉम कम्युनिकेशन इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इसमें कहा गया था कि भारत जो है 2018 की पहले छमाही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार है। तो यहाँ पर से ये भी याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सीधे सीधे ऐसे ही आ जाएगा, इसके बारे में इसीलिए हमने डिटेल से बात नहीं की है। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 26 अक्टूबर 2018 को 3 दिवसीय कृषि कुंभ का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया। तो 26 अक्टूबर को लखनऊ में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का आरंभ किया गया है और जो शुभारंभ किया था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। इसका जो आयोजन होगा वो 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक किया जाएगा लखनऊ के भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र में। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और इसमें होगा क्या, इसमें बड़ी संख्या में जो देश भर के जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भाग लेंगे और जो किसान हैं वो भी भाग लेंगे, और जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो किसानों को आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए उनकी जो आय है उसमें वृद्धि करने के तरीके समझाएंगे। ठीक है, तो उनको बताया जाएगा किस तरीके से आधुनिक तकनीकी का जो है इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पर से ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 26 अक्टूबर 2018 को सहल वर्क किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। तो याद रखिएगा कि सहल वर्क जो है वो इथोपिया की महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये इथोपिया की। और अगर बात करें इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी की तो ये जो है 69 वर्ष की इनकी आयु है और अभी जो है वर्तमान में ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अफ्रीकी संघ में महासचिव के तौर पे तैनात हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है इनको एक महासचिव के तौर पे रूप में अफ्रीकी संघ के लिए जो है अफ्रीकी संघ में नियुक्त किया है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें इथोपिया की तो यहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा कि इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन हैं। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा इथोपिया के बारे में। तो इथोपिया एक अफ्रीकी देश है और ये अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, ये हमें यहाँ से पता होना चाहिए। अगर बात करें इसकी राजधानी की तो अदिस अबाबा यहाँ की राजधानी है और मुद्रा है बिर। तो यहाँ पर से मुद्रा याद रखिएगा, राजधानी याद रखिएगा और इथोपिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से बात करें हम अफ्रीका की तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इथोपिया देखते हैं। तो ये देखिए ये अफ्रीका हो गया पूरा और ये पड़ता है भारत, यहाँ से इथोपिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इथोपिया दिख रहा होगा, ये हमारे देश से यहाँ जो है अफ्रीका महाद्वीप के पास में, अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अवार्ड 2018 जीता है। तो ये अवार्ड भारत ने जीता है। ओके, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए और इसको जो है CAPAMB बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये याद रखिएगा। हम यहाँ पर से थोड़ा बहुत डिटेल से जानते हैं जो कि हमें याद होना चाहिए। इनोवेशन इंक्यूबेशन श्रेणी में बिहार के बांका जिले में चलाए गए उन्नयन बांका अभियान में टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए पुरस्कार दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनोवेशन
क्वेश्चन इनक्यूबेशन श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया है, किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है इसमें, ठीक है, CAPM 2018 में, तो बिहार को। इसी तरीके से अगर बात करें कर्नाटक में, तो एकीकृत कृषि बाजार नामक पहल के लिए लोक सेवा प्रबंधन में अभिनव श्रेणी जो के पहल सॉरी पहल को लोक सेवा प्रबंधन में अभिनव श्रेणी के अंतर्गत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटक के एकीकृत कृषि बाजार को जो नामक जो पहल है इसको भी इसमें पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगर बात करें हम ओवरऑल जो इसमें CAPM में जो पुरस्कार मिला है, तो इसमें याद रखिएगा कर्नाटक की जो ये पहल है एकीकृत कृषि बाजार पहल, इसको जो है स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CAPM 2018 अवार्ड किसे मिला, तो किसे मिला, भारत को। यहाँ से बात करें अगर CAPM का, तो ये एक गैर लाभकारी संस्था है और इसमें कई राष्ट्रमंडल देशों के अधिकारी, अनुसंधानकर्ता और शिक्षाविद शामिल हैं। याद रखिएगा कि जो पुरस्कार देता है ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद इन पुरस्कारों की घोषणा करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसके बाद फोर्थ वाला है कि निम्न में से किस राज्य ने 25 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार तय समय से 2 महीने पहले ही पूरे राज्य में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। तो बिहार ने जो है पूरे राज्य में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इसको जो लक्ष्य दिया गया था वो 31 दिसंबर 2018 तक दिया गया था सौभाग्य योजना के तहत, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य दिया था बिहार को वो 31 दिसंबर 2018 तक का पूरा लक्ष्य दिया था कि 31 दिसंबर तक आप पूरे राज्य में विद्युतीकरण कर दें, ठीक है। लेकिन इन्होंने पहले ही कर दिया है, बिहार में अब हर घर में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है। अगर बात करें इससे पहले तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल, गोवा, पांडुचेरी, गुजरात और पंजाब में भी सभी घरों में बिजली है, ठीक है। तो इन राज्यों में ये पहले से ही बिजली थी, अब जो है बिहार भी एक ऐसा राज्य हो गया जहां पर कि पूरे राज्य में बिजली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बिहार की अगर बात करें तो 25 सितंबर 2017 को इसने जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो हर घर बिजली योजना है इसका शुभारंभ किया था और इसी योजना के तहत बिहार में हर घर में बिजली पहुंच पाई है, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं हम सौभाग्य योजना की। तो सौभाग्य योजना याद रखिएगा केंद्र सरकार की योजना है जिसका शुभारंभ सितंबर 2017 में किया गया था और इस योजना का जो उद्देश्य है वो 31 मार्च 2019 तक पूरे देश में बिजली पहुँचाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हर राज्यों को मतलब अलग अलग लक्ष्य दिया गया है कि आप इतने टाइम तक जो है बिजली पहुंचाइए, तो जो है इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अगर बात करें हम थोड़ा बहुत बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा सबसे बड़े युद्धाभ्यास ट्राइडेंट जंक्चर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने ट्राइडेंट जंक्चर 2018 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है नॉर्वे में, ओके, नॉर्वे में इसका आयोजन हो रहा है। यहाँ से कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये जो आयोजन है ये 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है जो कि 7 नवंबर तक चलेगा और इस युद्धाभ्यास की अगर बात करें तो इसमें 29 नाटो देश शामिल हैं, इसके अलावा इसमें 2 साझेदार देश भी शामिल हैं जो कि फिनलैंड और स्वीडन है, ठीक है। तो 29 नाटो देश जो कि इसके सदस्य हैं ये तो शामिल है ही हैं, इसके अलावा इसमें फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल हैं, ठीक है। 50,000 सैनिक इन देशों के इसमें शामिल हैं। अगर बात करें इस युद्धाभ्यास की तो याद रखिएगा ये जो है मतलब वायु, जल, थल, इन तीनों का ही अभ्यास है, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए, नेवी, एयरफोर्स और जो आर्मी है उन तीनों का ही ये अभ्यास है, तो याद रखिएगा। इस युद्धाभ्यास का अगर पहले संस्करण की बात करें तो इसका जो पहला इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 में इसका आयोजन किया गया था स्पेन और पुर्तगाल में, ओके। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए हमको, पहला आयोजन इसका स्पेन और पुर्तगाल में हुआ था 2015 में। चलिए यहाँ से अगर बात करें नाटो की, तो नाटो जो है एक सैन्य गठबंधन है जो कि अपने सदस्य देशों को बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके जो सदस्य देश हैं अगर उन पर कोई आक्रमण करता है तो ये जो सैनिक हैं इस जो नाटो के जो जितने भी सदस्य देशों के सैनिक होंगे वो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। अगर बात करें इसके वर्तमान में तो वर्तमान में इसमें 29 सदस्य हैं जिसमें कि बेल्जियम, कैनेडा, फ्रांस, क्रोशिया, ग्रीक, इटली, नॉर्वे, तुर्की आदि शामिल हैं, ठीक है। मुख्यालय की अगर बात करें नाटो की तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा।
यहाँ पर से अगर हम लोग बात करें ब्रसेल्स की, तो यहाँ पर से देखिए ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर जो है ब्रसेल्स में नाटो का जो है मुख्यालय है। ओके, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। यहाँ पर आसपास आप देख पा रहे होंगे फ्रांस, इटली, ठीक है, यूक्रेन, रोमानिया, ग्रीक, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रिया भी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर से सारे पॉइंट याद रखिएगा। आसपास जो इसके देश हैं, पड़ोसी देश, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर से मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाया है, तो देखिए जर्मनी हमें दिख रहा है, बेल्जियम की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए सामने बेल्जियम ब्रसेल्स की अगर हम यहाँ पर बता रहे हैं मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बेल्जियम ब्रसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है नाटो का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें दिख रही हैं हमको, तो याद रखिएगा आसपास की जितने भी पड़ोसी देश हैं इनके नाम याद होने चाहिए, इनकी स्थिति याद होनी चाहिए कि कहाँ पर है। इसके बाद छठा क्वेश्चन हमारे पास कि विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में पूजा डांडा ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है पूजा डांडा ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में। ओके, यहाँ पर से दो चार पॉइंट हैं जो याद होने चाहिए। याद रखिएगा कि ये हरियाणा की रहने वाली हैं और 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने नॉर्वे की महिला पहलवान ग्रेस पुलन को 10-7 से हराया है। ओके, अगर बात करें पूजा की, तो पूजा विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली चौथी महिला हैं। इससे पहले 2006 में अलका तोमर ने, 2012 में गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, तो इस बार भी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इससे पहले इन तीन लोगों ने था, इस बार जो है पूजा ने भी जीता है, तो याद रखिएगा ये चौथी महिला है विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली। ओके, अगर बात करें इससे पहले, तो बजरंग पुनिया ने जो है विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है अभी हाल ही में। मैंने तो आपको इसके बारे में डिटेल से काफ़ी कुछ बताया था। ओके, बात करें अगर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता की, तो इसका आयोजन बुदापेस्ट हंगरी में किया जा रहा है। ओके, हंगरी की मुद्रा है फोरिंट, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है विश्व कुश्ती प्रतियोगिता का, हंगरी में, और हंगरी की जो मुद्रा है वो है फोरिंट, तो याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को पहला विश्व कृषि सम्मान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर है M.S. Swaminathan। M.S. Swaminathan को पहला विश्व कृषि सम्मान प्राप्त हुआ है, और ये जो सम्मान दिया गया है इनको उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया है 26 अक्टूबर को नई दिल्ली में। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें M.S. Swaminathan की, तो ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का दर्जा दिया गया है। ओके, तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए कि इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से कौन सा जो है क्या किस चीज़ का दर्जा दिया गया है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। और यहाँ पर से दो चार पॉइंट और हैं जो याद होने चाहिए। M.S. Swaminathan भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। ओके, तो ये भी अक्सर एग्जामों में देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन। इन्हें 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसी तरीके से इनको 1989 में विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में इनको पद्म विभूषण मिला, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए इसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने 25 अक्टूबर को पशु संजीवनी सेवा योजना का आरंभ किया, तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा ने जो है 25 अक्टूबर को पशु संजीवनी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का आरंभ हरियाणा के 3 जिलों जिंद, यमुनानगर और मेवात, जो कि नूह में जो है इसकी शुरुआत की गई है। ओके, नूह जो है यहाँ का मुख्यालय है मेवात जिले का, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की अगर बात करें इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, तो वो आपको याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और चंडीगढ़। और जो योजना है किसने शुरू की है, ये है हरियाणा, तो अभी 3 जिलों में इसको शुरू किया गया है, इन 3 जिलों का नाम भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2017 में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी किस देश के थे, तो इसका सही आंसर है भारत का, ठीक है, भारत के सबसे ज़्यादा प्रवासी थे। अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है, एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट नाम से ये जारी की गई थी, और ये जो जारी की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जारी की थी एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, वो भारत के थे, और इसमें दूसरे स्थान पर जो है चीन को रखा गया है, और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश का। तो सबसे ज़्यादा जो प्रवासी थे वो
थे भारत के, इसके बाद चीन के और फिर थे बांग्लादेश के, तो याद रखिएगा यहाँ से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की, तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला फिलीपींस में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में इसके सदस्य पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में, तो 67 सदस्य हैं इसके वर्तमान में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं टेक हेको नकाओ, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, अध्यक्ष याद रखिएगा। इसी तरीके से कितने सदस्य हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ठीक है, बात करते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा है मनीला में इसका मुख्यालय है फिलीपींस में, तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये देखिए ये है हमारा इंडिया और फिलीपींस पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, फिलीपींस मनीला आपको दिख रहा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव RBI को भेजा है, तो इसका सही आंसर है IDFC। IDFC ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव जो है RBI को भेजा है। अगर इसका बैंक का नाम चेंज हो जाता है, इसने जो प्रस्ताव दिया है वो कहा है कि हमारा नाम बदल के IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये प्रस्ताव भेजा गया, अगर इसको स्वीकार कर लिया गया तो IDFC का पूरा नाम ये हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बैंक अपने गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनी है इसकी कैपिटल फर्स्ट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, मोबाइल वगैरह अगर फाइनेंस कराते होंगे तो कैपिटल फर्स्ट का नाम आपने अक्सर सुना होगा, इसको इसी जो कैपिटल फर्स्ट है इसको जो है ये खुद में मिलाना चाहता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका नाम चेंज किया जा रहा है, इसमें फर्स्ट बैंक जो लिमिटेड जो है जोड़ा जा रहा है। इसका जो मुख्यालय है बैंक का वो है मुंबई में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 2015 को हुई थी, तो 1 अक्टूबर 2015 से इसने काम करना शुरू कर दिया था, ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मंजूरी मिलने का टाइम अलग होता है, 1 अक्टूबर 2015 से इसने काम करना शुरू कर दिया था, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कल मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, पहला प्रश्न तो यही था कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ परमाणु हथियार संधि खत्म करने का फैसला किया है, तो इसका सही आंसर है रूस के साथ, ओके, इन सभी के बारे में डिटेल से बता रखा है, तो इस यहाँ पर मैं कुछ भी डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। इसी तरीके से मैं सेकंड पूछा था, सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कि निम्न में से किसे मैन बुकर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर था एना बर्न्स, ठीक है, यहाँ पर से कुछ लोगों का सही था, कुछ लोगों का ये गलत भी था। थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रयागराज, तो ये सभी लोगों का सही था, प्रयागराज इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की, जिसमें से पहला प्रश्न तो यही है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा हमने पास सेकंड क्वेश्चन है कि 20 अक्टूबर को मुंबई से गोवा के मध्य पहली क्रूज सेवा का आरंभ किया गया है, हमें बताना है किस क्रूज का क्या नाम है, तो ये भी काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि किस प्रसिद्ध कार्यकर्ता का 111 दिन की अनशन के बाद 11 अक्टूबर को मृत्यु हो गई थी, तो हमें बताना है कि उनका नाम क्या है, ठीक है, जिन्होंने भूख हड़ताल की थी और 111 दिन के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी 11 अक्टूबर को, तो बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये थी हमारे आज से करंट अफेयर्स की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी, किसी तरह के कोई सजेशन होंगे तो आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं और इसका डिटेल PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।